9 दिन के धरने के बाद 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं केजरीवाल जी, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? कैसे कह सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए जरा भी सीरियस है? अफसरों के साथ एक मीटिंग करनी है जो एलजी ने आदेश दिया है, वो एक मीटिंग करने को तैयार नहीं है, तो ये धरना किस लिए किया था? राशन के मुद्दे की बात कहां गई? आप छुट्टी पे जा कैसे सकते हो पूरे शहर को ठप करने के बाद? आपसे ज्यादा नालायक और कामचोर आदमी शायद दिल्ली की कुर्सी पे कभी नहीं बैठा होगा। भगोड़ा, निकम्मा, कामचोर, बेवकूफ समझा था पूरे दिल्ली वालों को। 9 दिन से सोफे के ऊपर पड़े हुए थे, दिल्ली के लिए काम करना चाहते हो, भाग रहे हो। 10 दिन के लिए बैंक शुगर का इलाज दिल्ली में नहीं होता क्या? इस्तीफा क्यों नहीं देता तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर अगर शुगर का इलाज भी दिल्ली में नहीं हो सकता? दिल्ली वालों को समझा क्या है? बेवकूफ समझा है दिल्ली वालों को? तुम्हारे जैसे निकम्मे और कामचोर और भ्रष्ट नेताओं के लिए दुष्यंत कुमार ने कहा है, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। भगोड़े, पूरे शहर को ठप करके रखा हुआ ताकि मैं मांगे पूरी होने से पहले उठूंगा नहीं, एक दिन के अंदर छोड़ के भाग रहे हो बिना मीटिंग किए। क्या मजाक समझा हुआ है दिल्ली वालों के साथ? ये शहर 7 बार उजड़ कर दोबारा बस चुका है, तुम्हारे को भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? इतने कुकर्म और पाप और झूठ और जो भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ कर रहे हो, माफ नहीं करेगा भगवान तुम्हें, एक बार भी माफ नहीं करेगा।